पर नहायत ही मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे और आयत नंबर 6 है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इसके आम तौर से दो तर्जुमे किए जाते हैं, एक तो ये कि परवरदिगार हमें सीधे रास्ते पर साबित कदम रख, एक तर्जुमा किया जाता है, और एक तर्जुमा किया जाता है खुदाया हमें सीधा रास्ता दिखा कर। तर्जुमे में दोनों एतबार से कोई मुश्किल नहीं है, दोनों तर्जुमे सही हैं, लेकिन हम यानी तशय्युह ज़्यादातर तर्जुमा यही करते हैं कि खुदाया हमें सीधे रास्ते पर साबित कदम रख, यही हम लोग ज़्यादा तर्जुमा करते हैं। और हमारे बरादरान अहले सुन्नत वो ज़्यादातर जो तर्जुमा करते हैं यही कि खुदाया हमें सीधा रास्ता दिखा दे। बहरहाल ये मेरा अपना जुमला नहीं है, हमारे दोस्त मौलाना जाफर रज़वी साहब का एक जुमला है, वो कहते हैं कि तर्जुमे दोनों सही हैं लेकिन बात मुकद्दर की है ना, जिन्हें रास्ता मिल गया है वो कहते हैं हमें साबित कदम रख, जिसे तलाश है रास्ते की वो कहते हैं खुदाया हमें दिखा दे, है ना। तो बहरहाल उस्ताद मोहसिन क़राती हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं कि कुरान मजीद में दो तरह की हिदायत का जिक्र है, एक हिदायत तकवीनी है यानी अल्लाह ने खुद उस मखलूक की फितरत में डाल दिया है। अगर हम मिसाल दें तो फर्ज करें शहद की मक्खी को, तो अल्लाह ने इस हिसाब से उसे पैदा किया है कि खुद ब खुद उस शहद की मक्खी को मालूम है कि कौन से फूल से मैं रस निकालूं और कौन से फल से मैं रस ना निकालूं, यानी बहुत सारे फूलों से वो गुजरती है लेकिन हर एक फूल से वो रस नहीं निकालती। अल्लाह ने तकवीन में यानी उनकी फितरत में हिदायत को रख दिया है। या इसी तरीके से बाज परिंदों को देखें आप, सर्दियों के परिंदे होते हैं, इस साल मसलन 6 महीने हिंदुस्तान में रहेंगे, थोड़ा ठंडे मौसम में 6 महीने दूसरे मुल्क जहाँ पर ठंडा होता है वहाँ पर वो सफ़र करते हैं। तो यानी अल्लाह ने खुद उनकी हिदायत उनकी फितरत में रख दिया है, तो ये हिदायत तकवीनी है। और दूसरी हिदायत जिसका कुरान में जिक्र आया है वो हिदायत तशरीई है, यानी अनबिया के ज़रिए से आसमानी किताबों के ज़रिए से आइम्मा के ज़रिए से अल्लाह ने बंदों की हिदायत का सामान फराहम किया है, इसे खुलासतन हिदायत तशरीई कहा जाता है। तो ये मखसूस है इंसानों से, है ना, हिदायत तशरीई मखसूस है इंसानों से। बहरहाल अगर हम देखेंगे तो खुद सिरात वाला जो लफ्ज़ है कुरान मजीद में 45 मरतबा आया है, खुद सिरात 45 टाइम्स कुरान मजीद में आया है, बहुत सारी मरतबा इजाफे के साथ, जैसे सिरात मुस्तकीम है या इन्ना हादा सिराती मुस्तकीम, इस तरीके से 45 मरतबा बहरहाल लफ्ज़ सिरात। और ये बहरहाल मैंने खुद तहकीक नहीं किया है, ये विकीपीडिया शिया के अतबार से विकी शिया उससे मैं नकल कर रहा हूँ। सिरात है क्या? सिरात एक पुल है, एक ब्रिज है जहाँ से हर इंसान को गुजरना है, चाहे मोमिन हो चाहे काफिर, चाहे तौहीद परस्त हो चाहे बुद्ध परस्त हो, हर एक इंसान को वहाँ से गुजरना होता है। हाँ, जो तौहीद परस्त होंगे, जो उसूल दीन पर एतकाद और फ़रोए दीन के पाबंद होंगे वो आसानी से पुल सिरात से गुजर जाएंगे, और जिनका ताल्लुक़ शिर्क से है, मुशरिक
होंगे वो गुजरने की कोशिश करेंगे लेकिन सीधा जहन्नम के कुएं में गिर पड़ेंगे। तो ये बहरहाल गुजरना तय है और मोमिन के लिए है, अहादीस में है कि जैसे अगर कोई इंसान मुकम्मल तौर पर मौलाए कायनात की विलायत का इकरार करता है और अइम्मा अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार करता है, या एक और रिवायत है कि जो भी कसरत से मुहम्मद और आले मुहम्मद पर दरूद भेजता है तो पैगंबर फरमाते हैं कि वो मोमिन पुले सिरात से ऐसे गुजर जाएगा जैसे बिजली आसमान से गुजर जाती है, है ना। तो फराहम हैं रास्ते, लेकिन खुलासा ये कि उसूल दीन पर एतकाद और फरोए दीन का पाबंद होना चाहिए ताकि वो आसानी से पुले सिरात से गुजर जाए। और एक रिवायत में सिरात मुस्तकीम से मुराद खुद मौलाए कायनात ने फरमाया है कि अना सिरातुम मुस्तकीम, जो रोजाना तुम 10 मरतबा कम अज कम वाजिब नमाजों में सिरात मुस्तकीम की तलाश करते हो, सीधा रास्ता, ऐसा रास्ता कि जिसमें कोई ना गुम होने का चांसेस है ना भटकने का चांसेस है, जो बिल्कुल सीधा रास्ता, तो जो तलाश तुम्हें है वो सीधा रास्ता मैं हूँ, तो मौलाए मुत्तकियान बयान करते हैं। तो अब ये मेरी तहकीक है, अगर हम दोनों चीज़ों को जमा करेंगे, कुरान मजीद के जो सूरह हम्द में इहदिनस सिरात मुस्तकीम है इसको, और जो मौलाए कायनात ने हदीस बयान की है कि मैं ही सिरात मुस्तकीम हूँ, हम इन दोनों चीज़ों को जमा करेंगे तो एक अच्छा नतीजा हमारे हाथ आता है। वो ये कि इंसान सिर्फ रास्ते की दुआ ना करे बल्कि साथ साथ रहबर की भी दुआ करे। कुरान मजीद रास्ता है, मौलाए कायनात रहबर है, रहनुमा है। बाज़ वक्त सिर्फ रास्ता इंसान को नहीं बचा सकता। अगर हम तारीख में देखना चाहें तो इसकी बेहतरीन मिसाल हजरत मूसा और उनके मुकाबले में आने वाले फिरौन की है। अगर बात सिर्फ रास्ते की होती तो जिस रास्ते से दरिया नील में मूसा गुजरे उसी रास्ते से फिरौन भी गुजरा था, है ना। लेकिन मूसा ने अपनी कौम को बचा लिया, फिरौन खुद और अपनी पूरी कौम को गर्क कर दिया, खुद भी डूबा पूरी कौम को भी लेकर डूबा, उसके पूरे लश्कर को लेकर डूबा। तो बात क्या है, बात यह है कि सिर्फ रास्ते की तलाश नहीं करना है बल्कि सही रहनुमा की भी तलाश करना है जो हमें रास्ता दिखा सके। तो ये जो मौलाए कायनात कह रहे हैं अना सिरात मुस्तकीम, यानी कुरान मजीद ने बयान किया है सिरात मुस्तकीम को, और उससे गुजरना चाहो सही मंजिल तक पहुंचना चाहो तो मुझ जैसे इमाम को जो अल्लाह ने बयान किया है, जिनकी इताअत को वाजिब करार दिया है, उनको मानना होगा, उनकी राह रविश पर चलना होगा। और उस्ताद मोहसिन कराती और मकाम पर फरमाते हैं कि यानी ये इहदिनस सिरातल मुस्तकीम हर आदमी डायरेक्ट दुआ नहीं कर सकता। ये छठवीं आयत में इसका जिक्र बता रहा है कि इससे पहले 5 मरहले हमें तय करने होंगे, है ना। किसी से इंसान कुछ मांगता है तो पहले उसकी तारीफ करता है ना, कि आप इतने बड़े हैं, आपके हाथ में सब कुछ है, आप चाहेंगे तो हमारा काम आसानी से बन जाएगा। तो पहले इंसान खुदा की तारीफ करता है हम्द में, इब्तिदाई में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के जरिए से स्टार्टिंग में खुदा की तारीफ करता है, खुदा के रहमान और रहीम होने का एतराफ़ करता है, और फिर खुदा ही के मालिक व मुख्तार होने का एतराफ़ करता है, है ना, मालिक यौमिद्दीन, और खुदा की इबादत का एतराफ़ करके खुदा ही से मदद चाहता है। जब इन सारे मरहलों को तय करेगा तो तब इंसान इस लायक बन सकेगा कि परवरदिगार तू सीधे रास्ते पर हमें कायम व दायम रख, सीधे रास्ते पर हमें गामजन रख। वरना हर आदमी के बस की बात नहीं है कि वो डायरेक्ट और अचानक सिराते मुस्तकीम की दुआ करे। और बहरहाल इसके लिए अमल दरकार है,
सिराते मुस्तकीम जो हम कहते हैं सिर्फ जबान से नहीं है बल्कि हमारे अमल से भी इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है, जरूरी है। तो एक मुजव्विज, एक जवाज, अब मुजव्विज अरबी जबान में पासपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पासपोर्ट क्या है पुलिस सिरात से गुजरने का और जन्नत में दाखिल होने का? एक चीज जो रिवायत में बयान की गई है वो खुद नमाज है। एक आलिम बुजुर्गवार के बकौल, जो कदम, जो पैर इंसान को मस्जिद तक नहीं पहुंचा सकते, उसे वो पैर पुले सिरात से भी नहीं गुजार सकते। इंसान के लिए बहरहाल जरूरी है। तो खुलासा ये कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम जो हर मुसलमान पर वाजिब है, रोजाना कम से कम 10 मरतबा दोहराए, वो सिरातल मुस्तकीम जिसे कुरान ने बयान किया है वो हिदायत तशरीई है जो अंबिया के जरिए से इंसान को हासिल हुई है, आइम्मा और आसमानी किताबों के जरिए से हासिल हुई है। ये उसी वक्त मुमकिन है जब वाजिब ताअत आइम्मा अलैहिस्सलाम की इंसान इताअत करता है। इंशाअल्लाह खुदा हमारे आलम हम सब को मुहम्मद आले मुहम्मद के तुफैल में सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.